नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत प्यारा सा पैटर्न लेकर आई हूँ। देखिए कितना खूबसूरत पैटर्न है और बहुत ही आसान है। तो गाइस चलिए यहाँ पर हम शेयर करते हैं इसे। आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन पर, बेबी सूट पर, जेंट्स स्वेटर पर। बहुत खूबसूरत लगता है ये पैटर्न और बहुत ही खिलकर आता है। और देख सकते हैं आप, किसी भी प्रोजेक्ट पर इसे अप्लाई किया जा सकता है फ्रेंड्स। लेकिन आप लोगों से हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे आ रहे लाल कलर के बटन को दबा दें और घंटी को भी बजा दें। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। तो चलिए हम पैटर्न को स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने 10 के मल्टीपल में फंदे डाले हैं। आप 12 भी कर सकते हैं, 14 भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने 3 एक्स्ट्रा लिए हैं, यानी यहाँ पर मेरे टोटल 33 फंदे हैं एक पैटर्न का बैलेंस बनाने के लिए और दो एज स्टिच। तो चलिए हम फर्स्ट रो बना लेते हैं और इसे शुरू से ही स्टार्ट किया जा सकता है। देखिए मैंने एज स्टिच को उतार कर और धागे को प्योर करके ये हम सीधी तरफ से बना रहे हैं। चार फंदे मैंने उल्टा बना लिए हैं। धागे को पीछे करेंगे, एक दो और ये तीन, तीन फंदे लिए हैं मैंने यहाँ पर। और धागा देखिए मेरा पीछे है। यह टोटल 8 रो का पैटर्न है, रिपीट पैटर्न है। ये देखिए एक फंदे से हमने, तीन फंदे से हमने एक फंदा बना लिया, एक ही सिलाई पर घुमा लिया और ये तीसरा फंदा निकाल लिया। टोटल यानी कि तीन फंदों से हमें तीन फंदे बनाने। ये देखिए तीन फंदों से हमने तीन फंदे बनाए। धागा अपनी ओर करेंगे, एक दो तीन। देखिए हमारे 10 फंदे हो चुके हैं इस एज स्टिच को छोड़कर और यही हमें पूरी रो में रिपीट करना है। देखिए तीन चार, चार कंप्लीट हो गए। धागा पीछे किया और तीन फंदों से फिर से हम देखिए एक फंदा निकाला। ये देखिए इस तरीके से धागे को सिलाई पर लपेटा, दो फंदे हो गए और ये तीसरा। तीन फंदे से हमने तीन फंदे बना लिए। ये बीच में हमारे उल्टे 7 फंदे आएंगे, साइड में दोनों तरफ हमारे चार चार फंदे आएंगे। ये देखिए और यहाँ पर मैं आपको बैलेंस दिखा रही हूँ। देखिए इधर भी हमारे 4 ही फंदे बचे हैं। वैसे हर जगह पे हमने 3 फंदे बाद में लिए हैं और ये बैलेंस बनाने के लिए वो हमने एक एक्स्ट्रा फंदा लिया था। तो ये हो गई हमारे पैटर्न की फर्स्ट रो। ये हमारी उल्टी सिलाई सेकेंड रो। इसमें वैसे तो हमें जो फंदा जैसे है वैसे ही बनाना है। देखिए धागे को पीछे किया है, एक दो तीन चार। धागा अपनी ओर करेंगे, एक और ये देखिए जाली वाला फंदा, दो और ये तीन। धागा पीछे किया और तीन फंदे फिर से सीधे बनाए, दो तीन। ये देखिए हमारे 10 फंदे। अब ये हम थर्ड रो पर हैं। एज स्टिच को हमने उतार लिया। पहले हमने यहाँ पर 4 फंदे उल्टे बनाए थे और अब हम यहाँ पर एक दो और ये तीन फंदे उल्टे बनाएंगे। अगर आपके फंदे यहाँ पर टाइट हैं तो आप इन्हें थोड़ा सा ढीला कर लीजिए। ये देखिए और इन्हें इस तरीके से घुमाते हुए इस तरीके से बना दीजिए। फंदा बना दिया, यहाँ पर हमने जाली ली क्योंकि एक फंदा हमने घटाया है और ये बीच वाला फंदा हमने सीधा बना लिया है। फिर से यहाँ हमने जाली बनाई और इस फंदे को घुमा दिया और दो का एक कर दिया। अब धागा अपनी ओर करेंगे, एक दो।
अब ये 10 फंदे, हमारे 10 फंदों का ये हमारा पूरी रो में रिपीट होगा। अब हम फोर्थ रो बना रहे हैं, ये उल्टी सिलाई है हमारी। एज स्टिच को उतार लेंगे, धागे को पीछे करेंगे और 1 2 3 तीन फंदे हमने सीधे बनाए, धागा अपनी ओर करेंगे। और यहाँ पर हमें अब 5 फंदे उल्टे बनाने हैं। देखिए ये जाली वाला फंदा, 2 3 4 और 1 ये 5, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे फिर से सीधे बनाएंगे। ये हमारे 10 फंदों का रिपीट पैटर्न है, इसे हमें पूरी रो में रिपीट करना है। अब ये हमारी पैटर्न की 5th रो है। एज स्टिच हमने उतार लिया, धागा अपनी ओर किया। अब यहाँ पर हम 2 फंदे उल्टे बना रहे हैं, धागा पीछे करेंगे और फंदों को थोड़ा सा ढीला करके इस तरीके से घुमाते हुए 2 का 1 कर देंगे। यहाँ पर हमने जाली डाली, 1 2 3 फंदे हमने सीधे बनाए, फिर से जाली और इस फंदे को घुमाते हुए फिर से हमें 2 का 1 करना है। ये 5th रो है हमारे पैटर्न की, धागा अपनी ओर करेंगे, 1 2। ये हमारा 10 फंदों का रिपीट पैटर्न, 10 फंदे, इसी को हमें पूरी रो में रिपीट करना है। ये हम उल्टी सिलाई बना रहे हैं, 6th रो। जो फंदा जैसा है वैसा ही बनेगा, यानी कि 2 फंदे हमने सीधे बनाए, धागा अपनी ओर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फंदे हमने उल्टे बनाए और 1 फंदा हमने सीधा बनाया। ये हमारा 10 फंदों का रिपीट पैटर्न पूरी रो में रिपीट करना है। ये हम 7th रो पर आ गए हैं। ये देखिए, फर्स्ट फंदे को हमने एज स्टिच को उतार लिया, धागा अपनी ओर करेंगे, 1 फंदा हमने उल्टा बनाया, धागा पीछे किया और दोनों फंदों को हम थोड़ा सा ढीला करेंगे, ये इस तरीके से 2 का 1 कर दिया। धागे को सिलाई पर घुमा दिया, 1, और ये बीच के फंदे हम सीधे बनाएंगे और इस फंदे को घुमाकर ये यहाँ पर हमें जाली बनानी है, तो हमने सिलाई पर घुमा दिया और 2 का 1 कर लेंगे। धागा अपनी ओर करेंगे, 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। फ्रेंड्स, ये हमारी 7th रो है। रॉन्ग रो आपको पता चली गई होगी, जो फंदा जैसे हमें वैसे ही बनाना है। और इसके ऊपर से फिर से हम रिपीट कर देंगे अपना,